आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी आलू की ग्रेवी। उसके लिए भिंडी लिया, दो तीन बटाटा लिया, दोनों को काट धो के काट के लिया, एक टमाटर लिया, एक कांदा लिया। अभी हम कढ़ाई बिठाएंगे। कढ़ाई अभी गर्म हो गया, अभी हम इसमें तेल डालेंगे। एक चम्मच थोड़ा सा। अभी हम इसमें पांच फोरन डालेंगे, थोड़ा सा। अभी हम इसमें कांदा डालेंगे, कांदा लाल होने के लिए। गोल्डन हो गया, हम भाजी डालेंगे, भिंडी और आलू साथ में डालेंगे। अभी हम इसमें नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, दो चम्मच। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे एक चम्मच, एक चम्मच से मसाला अच्छे से भुनेंगे। मसाला का कच्चापन रसा डालेंगे, एक गिलास पानी डाला, छोटा गिलास। इसमें हम ढक्कन लगा के 5 मिनट तक पकाएंगे। हमारा बच्चे भी 5 मिनट बचा है।
और आटा उसमें डालते हैं। एक मिनट तक भूनेंगे। आधा गिलास पानी, ये पहले से ही पका हुआ है ना। हाई फ्लेम पे रखने का 2 से 3 मिनट तक पकाने। अभी हम ढक्कन लगा रहे हैं। भिंडी की भाजी, भिंडी आलू की भाजी तैयार हो गई। ये आप चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।